तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/9। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल वेल। दिस मोहम्मद फिजान एंड द टॉपिक इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन नेम एंड एक्सरसाइज 3.2। और जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पिछले जितनी भी क्वेश्चन हम कर चुके उसमें मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट देता रहा, मेन कॉन्सेप्ट किस चीज़ का इन्वर्सली और डायरेक्टली का। सो आई होप आप लोगों को हर वीडियो में समझ आ चुकी है इन्वर्सली किसे कहते हैं और डायरेक्टली किसे कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इन्वर्सली और डायरेक्टली। हाँ, अब देखिए, पिछली वीडियो में हमारे पास वेरियस डायरेक्टली का वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। उससे पहले तो हमें डायरेक्ट उन्होंने इक्वेशन बना के दी थी, लेकिन जो पिछली वीडियो थी उसमें वेरियस डायरेक्टली था। इस वीडियो में क्या वेरियस वेरियस इन्वर्सली, ठीक है। वेरियस इन्वर्सली का वर्ड यूज हुआ था और पिछले में डायरेक्टली का यूज हुआ था। सो इन्वर्सली किसे कहते हैं कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो दूसरी चीज उसकी ऑपोजिट होगी, मतलब कि या डिक्रीज होगी, ठीक है। इसमें उलट होगा, ऑपोजिट होगा, किसमें, इन्वर्सली में। और डायरेक्टली में सेम एज इट इज होगा, अगर इन्वर्सली है तो इन्वर्सली होगा, सॉरी इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होगा। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जहन में बिठाना है, ठीक है, बनाना है। अगर इन्वर्सली में क्या होगा, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, ठीक है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना, और डायरेक्टली में सेम होगा, सेम। तो इसकी इक्वेशन ही समझ लें, इसके लिए सैंपल यूज होगा वो ये है, ठीक है, ये सैंपल ही दोनों के लिए। सो इन्वर्सली में अभी लाइक आप लोगों के पास क्या, डायरेक्टली में क्या, इन्वर्सली में दरअसल ये होगा आपको वाई वेरिएबल दिया और वो कहते हैं कि वेरियस इन्वर्सली तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई इन्वर्सली वेरियस इन्वर्सली कह रहे हैं तो वो इस तरह होगा, ठीक है, एक्स के। और यहाँ पर अगर वाई वेरियस डायरेक्टली कहते हैं तो x होगा, तो इसमें सेम एज इट इज आएगा और उसमें रेसिप्रोकल में आ जाएगा। रेसिप्रोकल ये दूसरी वाली वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा रेसिप्रोकल किसे कहते हैं और वेरियस और इनवर्सली डायरेक्टली किसे कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 आज का टॉपिक है, और उसमें हमें क्या कह रहा है कि वेरियस इनवर्सली। सो आप लोगों को इसको समझना है कि वेरियस इनवर्सली किसे कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो पिछली वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आपको मेरी इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई आपका कहाँ से आपको समझ नहीं आती, और कोई भी आपको इशू होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब वो क्या कह रहा है कि इफ वाई वेरियस, ठीक है, वेरियस इनवर्सली, इनवर्सली का वर्ड यूज हुआ, सही है, वेरियस इनवर्सली एज x इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको 7, when आपके पास है, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 नहीं, इनवर्सली y इज इक्वल टू 7 दिया गया, पहले y दिया गया, वो कह रहा है कि इनवर्सली एज x, वो x के इनवर्सली है, और आपके पास फिर वैल्यू दी गई है कि एंड, हाँ फिर सॉरी वैल्यू दी गई है, वो कह रहा है कि y वेरियस इनवर्सली एज x, ठीक है। फिर वैल्यू दी गई है एंड y इज इक्वल टू 7 एंड when x इज इक्वल टू 2। अब ये तो आप लोगों को एक जो है ना क्वेश्चन बताया गया कि इस तरह का आपके पास एक इक्वेशन बनेगी एज इट इज जो भी हो, लेकिन अब आपको एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी, वो कहते हैं कि फाइंड y when x इज इक्वल टू क्या है 126, सही है, x आपके पास क्या आ जाएगा 126। सो क्वेश्चन को पढ़ा कि इफ y वेरियस द इनवर्सली, आपके पास y का एक वेरियस इनवर्सली एज x, किसके x के, एंड y इज इक्वल्स टू 7, आपके पास y किसके बराबर 7, व्हेन x, दोनों आपको वैल्यू दी गई है, y भी दी गई है, x भी दी गई है, और यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ, इनवर्सली, वेरियस इनवर्सली, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 126, सो आपको आई होप क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। सो वेरियस इनवर्सली, थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करें, थोड़ा पीछे देखें, तो वेरियस इनवर्सली में मैंने क्या बोला कि अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि इफ y वेरियस इनवर्सली, सो x किसके बराबर है x, सो आप क्या कह रहे हो, y वेरियस इनवर्सली 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में एक चीज बढ़ रही है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अब इस इनवर्सली को खत्म करने के लिए आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करें कि k का यूज करें, ठीक है। सो y इज इक्वल टू k 1/x, ठीक है। अब y की वैल्यू आपको क्या दी गई है 7, और k आपको नहीं पता क्योंकि हमें k फाइंड करना है, ठीक है। सो ये वाला जो इक्वेशन बन गया ना, ये वाली, ये इक्वेशन आपको उस जो आपको आगे सवाल दिया गया है, आगे कौन सा सवाल कि y when x is equals to, तो जब आपको y फाइंड करना है तो आपको ये इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। तो 1/x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, आपके पास क्या आ गया 2। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू k बच जाएगा, k आंसर k।
तो 7 2 क्या जाएगा 14 इज इक्वल्स टू के। सो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई है 14 आ गई है। सो उसके बाद आप लोग क्या करें कि इसी k की वैल्यू जो k इज इक्वल्स टू 14 आंसर आपके पास आया, इसको पुट कर देते इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 14 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक और y इन टर्म ऑफ x बन जाएगा, सही है, y इन टर्म ऑफ x। अब आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे थे, फाइंड y when x इज इक्वल टू 125। हमने y को फाइंड करना है और x हमारे पास क्या 126। तो हम क्या करेंगे कि वो सी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू k 1 बाय x। तो यहाँ से हमारे पास y निकल सकता है कि देखिए y इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास 14 आ गई, जो अभी हमने फाइंड की है ये वाली, ये यहाँ पे ये आंसर जो है k इज इक्वल, तो ये पुट होगी और 1 बाय x हमारे पास x किसके बराबर है 126, ठीक है। सो 126 आपके पास आ गया, y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 126। तो जब आपको इस जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मेरे ख्याल में आपके पास जब कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो इस पर आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, 126 9 आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई कैलकुलेटर पे आप लोग आंसर लिख सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, मौजूद होगा, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, पेपर में भी हर जगह भी। तो 14 डिवाइडेड बाई करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 126 जब करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो के वाई का आंसर क्या 1 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, किसका, जब हमने y को फाइंड करने, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 9। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ चुकी है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये था हमारे पास इजी सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली हमें वायरियस इनवर्सली का वर्ड यूज़ किया, इनवायरियस इनवर्सली और डायरेक्टली का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इनवर्सली और डायरेक्टली, तीन एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट, इनवर्सली एंड डायरेक्टली, ठीक है। आप तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दीजिए, लेकिन जो आपके पास 3.5 आएगी और 3.7 शायद आएगी, तो उसमें आप लोगों के पास क्या होगा कि इस तरह के वर्ड्स ज़्यादा यूज होंगे, सो उसके लिए भी जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।